बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि मुझे मुंबई आए हुए लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं मुंबई में एक्चुअली एक्टर बनने आया था, बट आई चेंज माई माइंड एंड आई स्टार्टेड असिस्ट मिस्टर संगीत सिवन, डायरेक्टर संगीत सिवन जी को मैंने असिस्ट किया। असिस्ट करने के बाद मैंने महेश पांडे जी के साथ कुछ राइटिंग ऐसे उनको भी मैंने असिस्ट किया राइटिंग में। देन और मैं काफ़ी टाइम, लगभग 1.5 से 2 साल, मैं एक रूम में 4 लड़कों के साथ, 4 से 6 लड़कों के साथ रहता था। मैंने रियलाइज़ किया कि मुंबई में स्पेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रहने की जगह नहीं है, लोगों को आसानी से घर नहीं मिल पाता। वो कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाता है लेकिन मुंबई में घर नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम मैंने बहुत करीब से देखी और फेस किया। तो उस तब से मेरे दिमाग में ये आइडिया था और उसके बाद मैंने इस आइडिया को लिखा। लिखने के बाद एक अच्छी कहानी बन गई और जिसे कि आप बोल सकते हैं कि एडल्ट कॉमेडी बन गई, कि उस कॉमेडी को लेके मैं मिस्टर सुनील सुब्रमणी, जो कि अनुराग बासु जी के एसोसिएट हैं, मैं उनसे मिला। उनको भी कहानी बहुत पसंद आई और उसके बाद हम लोग मिस्टर प्रदीप गुप्ता, हमारे प्रोड्यूसर, फिल्म के प्रोड्यूसर महिमा प्रोडक्शंस, उनसे मिले। प्रदीप गुप्ता जी को भी कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस कहानी को शुरू करो और बनाओ। और देन उसके बाद फिर हमने, तब तक मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट था, बट सुनील के साथ काफ़ी डिस्कशंस हुए। उसके बाद आई सुनील ने सजेस्ट किया कि मैं डायलॉग्स भी अगर मैं ही लिखूं, तो क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम को, उस स्पेस की प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा जी चुका था, समझ चुका था। तो इसी तरह से बस एक फिल्म बन गई और कोशिश की गई कि फिल्म में कुछ भी वल्गैरिटी ना रखी जाए। इस बात को खास तौर पे ध्यान रखा गया कि फिल्म कहीं भी वल्गर ना लगे, जो कि आजकल की डबल मीनिंग फिल्में आ रही हैं, एडल्ट कॉमेडीज आती हैं जिनको आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। हमारी फिल्म में खास बात ये ध्यान दी गई है कि फिल्म एडल्ट कॉमेडी है, बट उसके बाद भी उसका टॉपिक सेक्स है, बट उसके बाद भी आप उसको फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। एक एक क्योंकि वो एक एक ह्यूमर छोड़ जाती है, कहीं भी आपको डबल मीनिंग या वल्गर डायलॉग्स में फंसाती नहीं है, आपको गुदगुदाती है, हंसाती है और लास्ट में थोड़ा इमोशनल भी कर जाती है। इस तरह की फिल्म है, तो एक कोशिश की है कि कुछ अच्छा बनाए, दर्शकों को कुछ नया दे सकें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद मेरे हिसाब से ऑडियंस इस तरह की फिल्म पहली बार इंडिया में देखेगी। ये इंडिया की पहली फिल्म भी होगी जिसमें कि सिचुएशनल एडल्ट कॉमेडी पेश की गई है, विदाउट वल्गर डायलॉग्स, विद और एक खूबसूरत कहानी के साथ, एक फैमिली इंटरटेनमेंट कहानी के साथ। ग्रेट। जैसा कि पवन आपने बताया कि आप एक्टिंग के लिए आए थे यहाँ पे,